कैसे हैं आप सब सारे के सारे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे पूरी दुनिया में। तो भाई हम बात करेंगे आज फ्लाइट के बारे में, ठीक है। बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं क्योंकि मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरा बिजी चल रहा था अभी, राइट। वो क्यों चल रहा था, मेरे बहुत सारे काम है। एक काम बताता हूँ मैं, बहुत सारे काम, मतलब बोलते हैं ना कभी कभी बहुत सारे काम एक साथ आ जाते हैं। तो एक तो मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, राइट, मतलब मेरा वीज़ा रिन्यूअल हो रहा है, तो मेरे को मेडिकल वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं वो रेडी करने पड़ते हैं, ठीक है। तो बाकी और भी काम है, बताऊंगा आपको। तो भाई फ्लाइट के बारे में कि भाई क्या सीन है। सबसे पहले तो अगर जो आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम प्लेन जा रहा है यार, जाने दो। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दो, बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, जिससे किसी ना किसी का बेनिफिट हो जाता है, राइट। तो भाई नंबर वन बात कि भाई जैसे इंडिया की एक फ़्लाइट आई है अभी, राइट, ओ आई थिंक 19 तारीख को आई, ठीक है, 19 को आई, 18 को आई थिंक, ठीक है। तो कि भाई हम लोग कैसे ट्रैवल कर सकते हैं इंडिया से दुबई के लिए, बहुत सारे बंदे फंसे हुए हैं, राइट, इंडिया में। देखो भाई उसके मैं देखो आप लोगों को सिंपल बताता हूँ, दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं बताता, ये वो है। सबसे पहले तो आपके पास वैक्सीन आपकी लगी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं कि हमको एक वैक्सीन लगी है, दूसरी नहीं लगी, बहुत सारे बोल रहे हैं कि हमको लगी नहीं है। देखो भाई सीधी सिंपल सी बात है यार, अगर जो आपको वैक्सीन नहीं लगी तो आपको 100% आपको ट्रैवल करना नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप वैक्सीन लगवाएं। और मैंने एक बार पहले भी बोला था, जो भाई पाकिस्तानी भाई जो मेरे को मैसेज कर रहे थे, श्रीलंका से कर रहे थे, भाई इंडिया वालों को मैंने पहले बोला था कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी, कि भाई दुनिया का एक दूसरे नंबर का कंट्री है इंडिया, राइट, पॉपुलेशन के मामले में। तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है हर एक कंट्री को, दुबई को नहीं, हर एक कंट्री को। तो ज़्यादा टाइम के लिए इसको क्लोज़ नहीं कर सकते, तो एयरलाइंस बहुत तगड़ा पैसा कमाती है उससे, दोनों साइड की, इंडिया वाली भी और इधर की भी। तो एयरलाइंस भी और वैसे भी ज़्यादा इंडिया के बिजनेसमैन होते हैं, जॉब्स करने वाले होते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर, बहुत सारे लेवल के होते हैं, ब्लू कलर वाइट कलर जॉब वाले होते हैं, तो जिसकी वजह से कंट्री ज़्यादा टाइम के लिए इंडिया को होल्ड पे नहीं रख सकती। मैंने पहले भी आपको बोला था ये बात, किसी ने भी नहीं बोला था, ठीक है। बोल रहे थे कि भाई सबका एक साथ में खुलेगा, मैंने बोला नहीं भाई, इंडिया फर्स्ट में आएगा दुबई के लिए, तो वही दुबई ने किया। एक फ़्लाइट दुबई की आ चुकी, इंडिया की आ चुकी है दुबई में, वो ट्राई करके देखा लोगों के भाई क्या रिएक्शन मार्केट के अंदर में आता है उन लोगों का, क्योंकि क्वारंटीन वगैरह उन लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है, और वो सारा सीन है। तो 23 तारीख को अभी फ़्लाइट ओपन होने वाली है, राइट, तो हो जाए, मैं तो दुआ करता हूँ भाई सभी को जितने भी वेकेशन पे गए हुए हैं, मेरे ऑफिस में से भी गए हुए हैं बंदे, और तो भाई सभी के सभी आ जाए, बहुत परेशान है, मुझे पता है। तो सीन यही है यार, सबसे पहले तो आप अपनी वैक्सीनेशन करवाओ, ठीक है। बिना वैक्सीनेशन के आपका 100% मैं बोलता हूँ आपका ट्रैवल नहीं कर सकते आप, नंबर वन बात, ठीक है। नंबर दूसरी बात कि भाई आपको क्वारंटाइन वो रहना पड़ेगा भाई दुबई में, ठीक है। हाँ अभी कुछ न्यू रूल आएंगे क्योंकि अभी इन लोगों ने ये रूल किया है, 23 तारीख के बाद, राइट, कुछ न्यू रूल करेंगे लोग कि भाई आप अगर जो वैक्सीन आपने करवाई है इधर टेस्ट लेने के बाद में शायद आपको ना करना पड़े, तो वो अलग बात है। लेकिन अभी जितनी पहली फ़्लाइट लेके आए दुबई में उनको सभी को उनके ऊपर मेजर नज़र उनके ऊपर रखी हुई है और मैं रूम के अंदर क्वारंटीन है, राइट। तो यही सब सीन है। और 23 तारीख को आई थिंक उसके बाद धीरे धीरे विजिटर वालों ओनली, अभी आई थिंक रेसिडेंशियल वालों को लेके आ रहे जिनके पास वीज़ा है, ठीक है। तो यही सब कुछ था भाई, वैक्सीन लगाओ, विदाउट वैक्सीन आपको ट्रैवल नहीं कर किया जाओगा, चाहे विजिटर हो, चाहे आपके पास वेकेशन पर गए हुए जॉब करने वाले, राइट। तो यही सब कुछ था, तो अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ ऐड करता हूँ यार, अभी मेरे से कुछ दिन से 2-3 वीडियो पे रिप्लाई नहीं जा रहे हैं, तो आई एम रियली सॉरी यार, और क्योंकि मैं जो गलती करता हूँ मैं आप लोगों के सामने एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि भाई ये गलती मैंने की है। तो भाई सभी से पाकिस्तानी भाई आप लोग माजरत बोलते हो, दुबई में आके सीखा मैं, तो भाई आप लोगों से माजरत है। और इंडिया वालों के लिए यार आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ वीडियो से नहीं कर पा रहा हूँ, कोशिश करूँगा अभी देने की, मैं 1-1.5 घंटा जितने भी होंगे सभी को कर दूँगा। तो यही सब कुछ था, अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें, मिलते हैं, शुरू करते हैं, आप लोग बहुत सारी बातें, टेक केयर, बाय बाय।